गावा गणी 150 गावा 150 खबरा में स्वागत है आपरो आपरेलाल मैं हूं आजरी कलाल। शुरुआत कर रहा सादुल शहर पंचायत पंचायत समिति की भूतर वाली गांव में लंबी दूरी की ट्रेन आरो ठहराव नहीं हुआ सो आसपास रा गांव रा लोग अभी परेशान हो रहा है। ग्रामीणा ने करीब 20 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर जार ट्रेन पकड़नी पड़े है। भूदर वाली गांव में भी लंबी दूरी ट्रेना ने ठहराव ने लेर ग्रामीणा मांग की है। श्रीगंगानगर रा सादुल शहर में पिछला कई महीना सो बीएसएनएल रा सेवाएं ठप है और उपभोक्ता भारी परेशानी का सामनो कर रहा है। ये जैसा ही लाइट जावे है अटे बीएसएनएल रा नेटवर्क गायब हो जावे है और बात करवा पे मोबाइल कॉल ड्रॉप भी हुए है। ज्यादातर लोगों ने निजी कंपनियां का कनेक्शन ज्यादातर लोग निजी कंपनियां का कनेक्शन ले रखा है लेकिन बीएसएनएल उपभोक्ता ने परेशानी हो रही है। उपस्वास्थ्य केंद्र होबा के कारण इठे डॉक्टर री नियुक्ति नहीं हो सके है और अकेली नर्स हुआ वे गंभीर मरीज रो पूर्व इलाज भी नहीं मिल पावे है। गंभीर मरीज आवा पे अटे सादुल शहर लाया जावे है लेकिन कई बार देरी हुआ के कारण मरीज की मौत भी हो जावे है। श्री विजयनगर पंचायत समिति का जैतसर गांव में अस्पताल में पीवा को साफ पानी नहीं है। अठे वाटर कूलर और एक्वागार्ड दो ही टूटवा सू पानी नहीं मिल पा रो है ऐसे में मरीज और परिजन काफी परेशान हुए हैं। अस्पताल में पानी नहीं होगा सो मरीज ने बड़ी समस्या हुए है ऐसे में अस्पताल प्रशासन लापरवाह बढ़ी हुए है। गदरेटा ग्राम पंचायत क्षेत्र रा गांव कागलावार में भवन नहीं हुआ सो सरकारी स्कूल पेड़ के नीचे चल रहा है। 12 के कागलावार में सरकारी स्कूल तो है लेकिन भवन को नहीं है ऐसे में बच्चा ने पेड़ के नीचे पढ़ाई करनी पड़े है। बरसात सर्दी और गर्मी के दिनों में बच्चा पढ़वा में भारी परेशानी हुए है। कई बार तो अटे गांव वाला ने भवन बनावा के लिए कहियो है लेकिन प्रशासन इन पे ध्यान नहीं दे रही है। उदयपुर का बड़गांव गांव और तालाब में इन दिनों पक्षी और कलरव गूंज रहे हैं इसु विदेशी सैलानी भी खास आकर्षित हो रहा है। इदना बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी अठे पहुंचे हैं और ये लोग रात न भी तालाब किनारे ही रुके हैं। सुबह सुबह पक्षी और चहचहाट सैलानियों ने भी भारी है। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और पक्षी प्रेमी फोटोग्राफी भी कर रहा है। बांसवाड़ा जिला का माही डेम रोड पर स्थित बढ़वी में अवैध रूप से ईंट भट्टा चल रहा है। कई वर्षा सू ये भट्टा धड़ल्ला सू चलाया जा रहा है। ई चालवा के लिए विभाग सू परमिशन नहीं ली गई है साथ ही पर्यावरण विभाग सू भी क्लियरेंस नहीं लियो गयो है। अवैध ईट भट्टा के आसपास रहे गांव का लोग परेशान है। बतावा के बाद भी संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बांसवाड़ा जिला का घाटोल सु नरगेट गांव जावा वाली डामर की सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो गई है जिसे वाहन चालका ने काफी परेशानी झेलनी पड़े है। इस सड़क ने बनिया कई साल हो गया है और कई साल सू यह सड़क टूटी हुई है। टूटी सड़क से उड़ रही धूल सु भी आसपास रा घर में रह रहे लोग ने परेशानी का सामना करना पड़े। गांव वाला ने कई बार सरपंच ने भी इस बारे में बताया गया है। जयपुर ग्राम पंचायत बासा का राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्या तारी कमी है। इस वजह से अठे कॉमर्स संकाय में सिर्फ 8 बच्चा ही पढ़ रहा है। स्कूल में व्याख्याता 3 पद खाली पड़ा है। फिलहाल विकास समिति ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्राइवेट तौर पर एक शिक्षक लगाया गया है। अठे कॉमर्स फील्ड में एक कॉमर्स संकाय भी अनिवार्य शुरू हुआ है। व्याख्याता नहीं हुआ सू बच्चा टीसी कटवार दूसरा स्कूल में जा रहा है। जयपुर में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित पनियाला पंचायत में बनिया ओवरब्रिज री सर्विस लाइन री हालत खराब है और अन्य लोग परेशान हो रहा है।
यूवर ब्रिज एनएच 8 रो हरियाणा और नारनौल से जुड़े हैं, ई वजह से वाटर ट्रैफिक वैसे भी ज्यादा रहे है। सर्विस लाइन ठीक नहीं हुआ से वाटर धूल उड़े है, साथ ही रोजाना हादसा भी होता रहे है। जयपुरी मूलिया एड़ा ग्राम पंचायत में बढ़िया एक साल हो गया है, लेकिन पंचायत के पास अटल सेवा केंद्र को नहीं है। अटल सेवा केंद्र नेओवा सु पंचायत ने सभी काम सरपंच के घर या सरकारी स्कूल में करना पड़े है, वटई ग्रामीण रोकैणो है, गांव वाला रोकैणो है कि पंचायत संबंधित काम रे लिए अठी वटी भटकनो भी पड़े है। गांव रे आम रास्ता में गौरव पत्थरों काम भी अबार तक नहीं हुई है, ऐसे में गांव वाला ने आवाजावा में परेशानी हुए है। जयपुर दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित ग्राम पंचायत खेड़की वीरभान रे पास नेशनल हाईवे पर बनियो कट जानलेवा बन गयो है। कट बूढ़ी के होटल के पास बनी हुई है, जयपुर से कोटपोतली होता हुआ अलवर जवा वाला सभी वाहन अणी कट हुई आवाजावे है। असिया में अठे आए दिन बड़ा हादसा हुआ होता रहे है, गांव वाला की तरफ से ध्यान दिलावा के बाद भी अणिकट ने बंद नहीं कराया गया है। पालीर पंचायत समिति देसूरी ने सभी स्थायी समितियां बैठक रखी गई, या बैठक प्रधान भीरा राम मीणा की अध्यक्षता में रखी गई। में पंचायत समिति के सदस्य ने नहीं बुलाया और मुद्दों उठाया गयो, कई हो गया है कि पंचायत समिति के सदस्य ने मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गयो। इन्हें साथ ही बैठक में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जा रहे विकास कामारी प्रगति रिपोर्ट सदस्य देवारा प्रस्ताव भी लिया गया। करौली रा मासलपुर माए रियासती धरोहर हजीरा रा 12 खंबा अपना वजूद खुदा जा रहा है, प्रशासन ने अनदेखी चालता या विरासत पे भारी पड़ रहे है। लोगा में इरे अंदर खजानो छुपिया हुआ री अफवाह है, ई वजह से इरो आधार रो कई आधार सु कई जगह ने तोड़ दियो गयो है। धरोहर रक्षा के लिए गांव वाला प्रशासन ने बतायो भी है, लेकिन अबार तई कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किया गया है। नागौर के जायल माए ई दिना रास्ता पर ऊंटा रा काफिला नजर आ रहा है। दरअसल स्थानीय पशुपालक पुष्कर मेला में पशु ले जाए है, मेला समापन के बाद अब वे लौट वाला गया है। इनमें सबसे ज्यादा ऊंट पालक है, ऐसे में सड़कों के किनारे ऊंटों के टोले नजर आ रहे हैं। नागौर जिले के खीरसर क्षेत्र की गुड़िया गांव में एक विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। संबंध के बारे में पीहर पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक करेंगे। कुड़िया गांव में विवाहिता का शव पानी के टांके में मिला था, अब पीहर पक्ष की मांग पर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होगी। छेड़छाड़ का आरोप महिला के पड़ोसी पर है, उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। विवाहिता के बेटे के विरोध करने पर आरोपी ने उसे पत्थर से मारा, उसे खीरसर अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोंक जिले के सिंदड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय के स्कूल में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिल रही है, यहां पर हिंदू बच्चे उर्दू पढ़ते हैं। ये बात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंदड़ा की है, यहां 11 और 12वीं की कक्षा में करीब 100 हिंदू छात्र छात्राएं उर्दू पढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि यहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, इसके बावजूद स्कूल में उर्दू की तालीम दी जा रही है।
ठोंग में निवाई पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे राजकीय जनजाति बालिका उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय में अव्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। यहां छात्राओं के खाने और पीने के पानी की दिक्कत बनी हुई है। छात्रा इसे लेकर कई बार विरोध भी जता चुकी है। बीते दिनों जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा ने भी व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए थे, इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। ठोंग में पीपलू ग्राम पंचायत मुख्यालय का सामुदायिक अस्पताल पिछले कई सालों से चिकित्सा विभाग की अनदेखी झेल रहा है। यहां डॉक्टर और स्टाफ की कमी है, इससे रोगियों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। यहां महिला डॉक्टर भी नहीं है, इससे गर्भवती महिलाओं को खासी दिक्कतें आती हैं। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत रवां के सरकारी स्कूल में 23 छात्राओं को साइकिलें बांटी गई। साइकिल मिलने पर छात्राएं खुश नजर आई। सरपंच रेखा जेवरिया ने साइकिल वितरण के समारोह में स्कूल स्टाफ और ग्रामीण भी मौजूद रहे। झुंझुनू जिले में सांसद संतोष अहलावत ने आदर्श ग्राम गाड़ाखेड़ा को विभिन्न गांवों से जोड़ने वाली सड़कों की मांग पीडब्ल्यूडी मंत्री से की। सांसद ने कहा उन्होंने गाड़ाखेड़ा में हीरवा, कलगांव और जयसिंहसर से जोड़ने के लिए 3 सड़कों के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन एक ही मंजूर हुआ है। मंत्री ने कहा जयसिंहसर के रास्ते का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है और जल्द ही हीरवा जाने वाली रोड का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया जाएगा। झुंझुनू के टूनलोद विद्यापीठ में शरदोत्सव में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हिंदी और अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। सामूहिक गायन युगल गायन प्रतियोगिताओं में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। डीवीपी के कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। झुंझुनू के बुहाना बीडीओ राजपाल सिंह ने सिंघाना और गुजरवास गांव में सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला मिला। माध्यमिक स्कूल में 2 शिक्षक छुट्टी पर मिले। पोषाहार की गुणवत्ता और रिकॉर्ड सही मिला। स्वच्छ भारत अभियान की भी अनदेखी मिली। सिंघाना सीएचसी में वार्डों की सफाई नहीं होने पर बीडीओ नाराज हुए और चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाकर सफाई रखने के निर्देश दिए। झुंझुनू के खुडाना पंचायत में सड़क हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। चिड़ावा से झुंझुनू की ओर आ रही कार और सामने से आ रही निजी बस में टक्कर हुई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस पलट गई और 12 यात्रियों को चोटें आई, जिनमें से 4 घायलों को गंभीर हालत में बगड़ से झुंझुनू रेफर किया गया। डूंगरपुर जिले के बनकोड़ा गांव में बिना निविदा के 17 हैंडपंप खुदवाकर 8.5 लाख के रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर आरोप है कि श्री योजना में उदयपुर की फर्म को 45,000 रुपए प्रति हैंडपंप लगाने के आदेश जारी किए गए थे। गड़बड़ियों की शिकायत पर पंचायत कर्मचारी लीपापोती में जुटे हैं, वहीं अधिकारी जांच करके रिकवरी की बात कर रहे हैं। डूंगरपुर के ओबरी में नंदीश्वर दीप महामंडल विधान का आयोजन हुआ। यह आयोजन दिगंबर जैन समाज के मुनि आज्ञा सागर के सानिध्य में हुआ। गांव में जैन समाज के संत भवन में विश्व शांति यज्ञ के साथ विधान की पूर्णाहुति दी गई। इससे पहले श्रीजी का पंचामृत अभिषेक भी किया गया। मुनि आज्ञा सागर ने कहा हवन से वातावरण और बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण से मन और दिमाग की शुद्धि होती है। डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान निमिषा भगोरा के सारोली गांव के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। यहां प्राइमरी स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहा है। स्कूल में शौचालय और कमरे नहीं है, साथ ही 3 कमरों का काम अधूरा पड़ा है। प्रधान ने मौके से जिला शिक्षा अधिकारी को फोन किया और स्कूल में शिक्षक लगाने के साथ ही व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। गांव वालों का कहना है कि कार्यकर्ता को कई बार वक्त पर आने को कहा, लेकिन टाइम पर आना तो दूर, वो कई दिन तक आती ही नहीं थी।
हर हाल में गांव के बच्चे और उनके घर वाले परेशान हैं, कोई काम हो तो कार्यकर्ता को फोन करके बुलाना पड़ता है। बूंदी जिला की माधोराज ग्राम पंचायत से जुड़े चार गांव में आज भी सड़क कच्ची ही है, इससे गांव वाले कई तरह की परेशानी झेल रहे हैं। कच्ची सड़क में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, ये सड़क चार गांवों को पंचायत मुख्यालय से जोड़ती है। इस हाल में लोगों को पंचायत मुख्यालय आने में परेशानी आ रही है, प्रशासन को बताए बाद भी इसकी सुध नहीं ली जा रही। नागौर की ढीडवाना पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई, इसमें पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया। मीटिंग में अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव रखे गए, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों के अलावा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, इनके साथ ही पंचायत समिति प्रधान और उपप्रधान भी थे। नागौर के जायल में महिला मीटों का प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम अटल सेवा केंद्र पर हुआ। पहले चरण में 50 महिला मीटों को प्रशिक्षण दिया गया, ये महिला मीट 15 ग्राम पंचायतों की थी। बीडीओ ने इन्हें मनरेगा संबंधी जानकारियां दी, अब इससे मनरेगा का स्वरूप बदलना तय है। नागौर में जायल के खियाला गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही से पानी फालतू बह रहा है, इसका खामियाजा गांव वाले उठा रहे हैं। हाल यह है कि जायल में चार दिन से पीने का पानी सप्लाई नहीं हो रहा, वहीं खियाला में वक्त पर सप्लाई बंद नहीं की जा रही। समय पर सप्लाई बंद नहीं होने से पानी बेकार बह रहा है, जलदाय विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। करौली में सपोटरा की ग्राम पंचायत नारौली डांग में अतिक्रमण का जोर है, हाल ये कि आम रास्तों पर प्रभावशाली लोगों ने कच्चे पक्के निर्माण कर लिए हैं। अवैध कब्जों से रास्ते 12 फीट के बजाय 5 फीट के रह गए हैं, इससे आने जाने में बहुत परेशानी आती है। गांव वाले अवैध कब्जों में ग्राम पंचायत के मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ नोटिस देने की खानापूर्ति से गांव वालों में रोष है। करौली के सपोटरा में कई सरकारी ऑफिसों में गंदगी का आलम, यहां स्वच्छता अभियान कहीं नजर नहीं आता। डीईओ ऑफिस में कर्मचारियों ने कुर्सियों के पीछे घुटके और पान के पीक थूक रखी है। इसके अलावा पंचायत समिति ऑफिस में भी सीढ़ियों और दरवाजों के पास गंदगी अटी पड़ी है। खबर करौली से, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय मासलपुर में भरतपुर संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, छात्राओं ने स्वागत गायन से अतिथियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता के प्रभारी ने बताया कि करौली जिले के साथ सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर के कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी। करौली में घर की छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से आए दिन दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। क्षेत्र के लोग करंट के डर से अपनी छतों तक नहीं चढ़ते, कई बार विद्युत विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि लाइन डालते समय मना किया गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब मामले को सरकारी काम बताकर टाल रहे हैं। मंडराल क्षेत्र में इन दिनों एक किसान द्वारा देशी खाद और बीज से बिना किसी रसायन के 3 फीट से अधिक लंबी लौकी का उगाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान ने बताया उसके खेत में पहली बार देशी बीज और खाद की बदौलत 3 फीट से अधिक लंबी लौकी की पैदावार हुई है, इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया गया। नया गांव में ब्रजभूषण का लक्ष्य अगली बार 1 बीघा भूमि में देशी खाद और बीज की सहायता से लंबी लौकी की फसल तैयार करने हैं, उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मांडल के मेजा गांव में पीएचईडी विभाग की लापरवाही का खामियाजा इन दोनों गांव वाले उठा रहे हैं। लापरवाही के चलते यहां मेन पाइपलाइन से लीकेज हो रहा है, जिसमें न केवल पानी फालतू बह रहा है बल्कि पानी के कटाव से सड़क भी टूट गई है। लोगों को इससे आने जाने में काफी परेशानी होती है, लेकिन शिकायतों के बाद भी विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। झालावाड़ की पिड़ावा पंचायत समिति के धनोरिया ग्राम पंचायत का भवन सरकारी कार्यालय कम और घर ज्यादा नजर आ रहा है। पंचायत में बिस्तरों के साथ घर का सामान भी रखा है, सामान देकर यहां लोग रहने भी लगे हैं।
सबसे बड़ी बात यह कि ग्राम पंचायत भवन मुख्य रोड पर है, अधिकारी यहां से निकलते हैं पर ध्यान नहीं देते। दौसा के बांदीकुई में सीएचसी में बनी मोर्चरी की हाल बदहाल है, यहां मोर्चरी के बाहर गंदगी का ढेर लगा है। कचरे के ढेर से अस्पताल में बदबू बनी रहती है, इस बदबू से मरीजों को परेशानी होती है। अस्पताल के सामने गंदगी का हाल देखने वाला कोई नहीं, वहीं अस्पताल प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी की चांदीरा ग्राम पंचायत के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में दवाइयां नहीं, इससे यहां आने वाले मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हाल यह है कि यहां इलाज के लिए वैद्य तो हैं पर दवाइयां नहीं, और अभी तो मौसमी बीमारियों की भी दवा नहीं है। अस्पताल में दवाइयां नहीं होने से मरीज परेशान और झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने पर मजबूर। दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी करोड़ी ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी है। हाल यह है कि यह स्कूल 8वीं कक्षा तक है लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षक हैं। शिक्षक नहीं होने से यहां बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, ऐसे में स्कूल जाने के बाद भी भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। जोधपुर में फलौदी के पास कुंडल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनी पीएचसी बदहाल है, यहां प्रसूति गृह से शौचालय तक हाल खराब है। प्रसूति गृह में एक भी बेड नहीं है, यहां छत टूटी है जो बरसात में टपकती है। पीएचसी में बना शौचालय ढह चुका है, लोग इसके बाहर भी गंदगी फैला रहे हैं। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ पंचायत समिति की बांडा कॉलोनी में किसान आवारा जानवरों से परेशान है। आवारा जानवर पूरे दिन खेतों में चरते रहते हैं, साथ ही ये फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इन्हें भगाने की कोशिश किसानों पर भारी पड़ती है क्योंकि ये जानवर किसानों पर हमला भी कर देते हैं। भरतपुर में ग्राम पंचायत पहाड़ी में रिहायशी जगह पर वर्षों से खड़ी जर्जर पेयजल टंकी हादसों को न्योता दे रही है। ये टंकी किसी भी वक्त गिर सकती है, चारों तरफ घर बने होने से बड़ा नुकसान होने का अंदेशा। इस बारे में ग्राम पंचायत द्वारा विभाग को कई बार बताया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भरतपुर में ग्राम पंचायत पहाड़ी के सरकारी हॉस्पिटल के पास बना सरकारी पोखर अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। राजस्व रिकॉर्ड से 14 बीघा का सरकारी पोखर है लेकिन हकीकत में अब सिर्फ 4 या 5 बीघा का रह गया है। इसमें पंचायत पर मिलीभगत का आरोप लग रहा है। भरतपुर में पंचायत समिति डी की ग्राम पंचायत दिदावली के शमशान की जमीन अतिक्रमण का शिकार है। ग्राम पंचायत ने कई बार पैमाइश की बात कही, ग्राम सभा में पैमाइश के लिए प्रस्ताव भी पास किया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भरतपुर में कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पूलखेड़ा में शहीद सैनिक नंदराम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया गया। पंचायत समिति प्रधान कमलेश ने मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के दौरान शहीद नंदराम के जीवन से जुड़े संस्मरण सुनाए गए। भरतपुर में कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लेवड़ा का स्वास्थ्य केंद्र अतिक्रमण का शिकार है। हाल यह है कि अस्पताल में लोगों ने गोबर के उपले तक थाप दिए हैं और यहां कब्जा करके मवेशियों को बांध दिया है। बिल्डिंग पर अतिक्रमण होने से एएनएम यहां नहीं आती, ऐसे में लोगों को टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।